Hello children, in this video we will do network topologies. What is network topology? Network topology kya hota hai? Network topology refers to the physical or logical layout of a network. Network topology में आप बताते हो कि एक network आप कैसे create करोगे, कैसे design करोगे, right? कैसे organize करोगे, physically and logically. Physically means आप कैसे computers को एक दूसरे से connect करोगे, right? किस तरह की वायर्स का यूज करोगे, केबल्स का यूज करोगे, एंड लॉजिकली आप डिफाइन करते हो कि डेटा कैसे ट्रांसफर होगा नेटवर्क में, कंप्यूटर अमंग द कंप्यूटर्स, अमंग द डिवाइसेस, राइट? इट डिफाइंस द वे डिफरेंट नोड्स आर प्लेस्ड. क्या डिफाइन करती है टोपोलॉजी के डिफरेंट नोड्स, मतलब नोड्स क्या होते हैं, टर्मिनल्स, कंप्यूटर्स, आप कंप्यूटर्स को कैसे प्लेस करोगे, ठीक है, एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन अ नेटवर्क. ओके, तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या डिफाइन करती है कि कैसे कंप्यूटर्स को आप किस डिजाइन में, किस ऑर्डर में प्लेस करोगे और कैसे उन कंप्यूटर्स को एक दूसरे से इंटर कनेक्ट करोगे, ठीक है, नेटवर्क के अंदर. फाइन, so network topology also describe how the data is transferred between these nodes. okay, तो network topology में क्या क्या define किया जाता है, पहले बताया जाता है कि computers को कैसे आप physically arrange करोगे, ठीक है, कैसे उनको interconnect करोगे, और secondly what topology defines, ये क्या define करता है, define करता है कि network create होने के बाद कंप्यूटर्स के अमंग, नोड्स के अमंग डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, ठीक है, कंप्यूटर्स के बीच में डेटा को आप कैसे ट्रांसफर करोगे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, राइट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, फिजिकल एंड लॉजिकल. ये मैंने अभी आपको बताया, नेटवर्क टोपोलॉजीज दो टाइप की होती है, फिजिकल होती है एंड लॉजिकल होती है, राइट? Physical topology emphasizes the physical layout of the connected devices and nodes. Physical topology में क्या define होता है कि एक network में को create करते time आप devices को, nodes को कैसे एक दूसरे से interconnect करोगे और कैसे वो place करोगे, ठीक है, मतलब उनका design क्या होगा, right? उनको कैसे organize करोगे, okay? While the logical topology focuses on the pattern of data transfer between the network nodes. और logical topology क्या define करता है, network create हो जाने के बाद devices के बीच में, nodes के बीच में, nodes क्या है, computers है, ठीक है, इनके बीच में data कैसे transfer करेगा, okay? उसका process क्या होगा, कौन से route से data transfer करेगा, राइट? तो बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, ये है अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन अ नेटवर्क, ठीक है, हम एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसमें डिजाइन बना रहे हैं कंप्यूटर्स का, नोड्स का, कि कैसे कंप्यूटर्स को प्लेस करना है और कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना है, राइट? एंड वी आर ऑल्सो डिजाइनिंग, वी आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग कि डेटा कैसे ट्रांसफर करेगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में. ओके, ओके, सो फर्स्ट टोपोलॉजी वी हैव स्टार टोपोलॉजी, right? In star topology, all the nodes are connected to a central device called hub or switch. Star topology में हम क्या करते हैं, जितने भी nodes होते हैं, nodes क्या होते हैं, computers, ठीक है, devices और you can say terminals, ठीक है, जितने भी nodes होते हैं उनको हम क्या करते हैं, किससे connect करते हैं, central device से connect करते हैं, और ये central device आपका hub भी हो सकता है और switch भी हो सकता है, राइट? समझ आया? अब देखो यहाँ पे कौन सी फॉर्म ये क्रिएट कर रहा है, ये कौन सी डिजाइन क्रिएट कर रहा है, ये स्टार फॉर्म क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है. स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी नोड्स होते हैं वो सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ द केबल, ओके. ऑल कम्युनिकेशन इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल डिवाइस, ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी कम्युनिकेशन है वो कौन कंट्रोल करता है, वो सेंट्रल डिवाइस मींस हब या आपका स्विच, ये कंट्रोल करता है, राइट? द सेंट्रल डिवाइस कैन बी आइदर अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, मींस डेटा विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क. ये क्या कह रहा है, जो सेंट्रल डिवाइस है वो ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस भी हो सकता है. ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस क्या होता है, जो एक डिवाइस मैनी डिवाइस को डेटा एक साथ ट्रांसफर करता है, ठीक है. तो या तो ये हब हब क्या करेगा, एक साथ सारे नोड्स को डेटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है. तो इस केस में कैसे वर्क करेगा, ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस की तरह वर्क करेगा, ठीक है, ओके, राइट? और यूनिकास्ट डिवाइस, ठीक है, या तो ये ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस
की तरह वर्क करेगा कि इसके पास डेटा आया और इसने क्या किया, जितने भी नोड्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया, ओके। या फिर ये यूनिकास्ट डिवाइस की तरह वर्क करेगा। यूनिकास्ट क्या होता है, 1-to-1। इसके आपके पास डेटा जो भी आएगा ये पहले डिसाइड करेगा कि किस नोड के पास वो डेटा जाना चाहिए और ओनली एक उस नोड के पास उस डेटा को सेंड करेगा, राइट। इसको बोलेंगे यूनिकास्ट डिवाइस, 1-to-1। यूनिकास्ट डिवाइस मीन्स द सेंट्रल डिवाइस कैन आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन नोड एंड फॉरवर्ड द डेटा टू डेट नोड ओनली, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे पूरा कम्युनिकेशन कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल कर रहा है। और सेंट्रल डिवाइस हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है। अगर आपका सेंट्रल डिवाइस हब है तो हब का क्या फंक्शन होता है, इसके पास जो भी डेटा आता है, जितने भी इससे इसके नोड्स इससे अटैच होते हैं, उन सबको डिलीवर कर देता है, राइट। वहां पे ये ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस की तरह वर्क करता है। और यहाँ पे अगर हमने सेंट्रल डिवाइस स्विच लगाया है, तो स्विच क्या करता है, स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। वो क्या करेगा, उसके स्विच के पास जो भी डेटा आएगा वो पहले चेक करेगा कि किस नोड के लिए वो डेटा आया है, और वो क्या करेगा, उस सिर्फ उस नोड को ही, मान लो यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोड के लिए डेटा आया, तो सिंपली इस नोड को ही वो डेटा ट्रांसफर करेगा, बाकी किसी भी नोड को वो डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे जितना भी कम्युनिकेशन है वो सारा किसके ऊपर डिपेंड है, वो सेंट्रल डिवाइस के ऊपर डिपेंड है, फाइन। नाउ वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, राइट। स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इंस्टॉलेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज वेरी इजी एज ऑल द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस, ओके। स्टार टोपोलॉजी को क्रिएट करना, इंस्टॉल करना बहुत इजी है, क्योंकि जितने भी नोड्स हैं वो सिंपली क्या है, सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है, राइट। दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस, ओके। फॉल्ट डिटेक्शन इज इजी, इसके इस जब आप ये टोपोलॉजी बनाते हो तो इसके अंदर फॉल्ट डिटेक्शन बहुत इजी है, ठीक है। आप फॉल्ट को इजिली डिटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे फॉल्ट आया है, फाइन। फेलियर ऑफ सिंगल सिस्टम विल नॉट ब्रिंग डाउन द एंटायर नेटवर्क। अब यहाँ पे देखो, जितने भी नोड्स हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट हैं, तो अगर किसी नोड में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इससे क्या है, अगर एक नोड का फेलर होता है तो ये पूरे सिस्टम को फेल नहीं करेगा, ठीक है। देखो, फेलियर ऑफ सिंगल सिस्टम विल नॉट ब्रिंग डाउन द एंटायर नेटवर्क। अगर किसी एक नोड में या दो नोड में प्रॉब्लम आ जाती है तो रेस्ट ऑफ द नोड विल कीप ऑन वर्किंग, ठीक है, बाकी के नोड्स काम करते रहेंगे, फाइन। अलाउ सेवरल टाइप्स ऑफ केबल इन सेम नेटवर्क। आप इसको क्रिएट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केबल का भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर यूज कर लिया, एक एक नोड को लिंक करने के लिए, सेकंड नोड को लिंक करने के लिए आपने कोएक्सियल यूज कर लिया, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केबल्स का आप यूज कर सकते हो, राइट। मेंटेनेंस ऑफ द नेटवर्क इज इजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी का मेंटेनेंस बहुत इजी है, फाइन। इसको मेंटेन करना काफी इजी है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस, दैट्स व्हाई, ओके। नाउ वी हैव द डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। अभी इससे पहले हमने एडवांटेजेस पढ़े थे, अब हम डिसएडवांटेजेस इसके देखेंगे, राइट। इन स्टार टोपोलॉजी ईच नोड मस्ट बी लिंक्ड टू अ सेंट्रल डिवाइस। हमें पता है स्टार टोपोलॉजी में क्या, जितने भी नोड्स हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, सेंट्रल डिवाइस से लिंक्ड होते हैं, कनेक्ट होते हैं, राइट। फॉर दिस रीजन मोर केबलिंग इज रिक्वायर्ड इन स्टार टोपोलॉजी एज कंपेयर टू बस और रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि जितने भी नोड्स हैं वो सारे क्या है, सेंट्रल हब से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द केबल, ठीक है, केबल की हेल्प से वो सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट है, तो स्टार टोपोलॉजी में ज्यादा केबल की रिक्वायरमेंट है, इट रिक्वायर्स मोर केबलिंग, ठीक है, एज कम्पेयर टू द बस और रिंग टोपोलॉजी। तो इसमें बस या रिंग टोपोलॉजी से ज्यादा केबल यूज होता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वी हैव द नेटवर्क क्रूसली डिपेंड ऑन द सेंट्रल डिवाइस। अब पूरा पूरा नेटवर्क किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल डिवाइस पे डिपेंड करता है, राइट। इफ सेंट्रल डिवाइस फेल्स द एंटायर नेटवर्क विल बी डिसेबल्ड। अगर सेंट्रल डिवाइस में प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होगा, सारा का सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करता है, हमारा सेंट्रल डिवाइस पे डिपेंड करता है, फाइन। परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क डिपेंड्स ऑन सेंट्रल डिवाइस।
अब इस टोपोलॉजी के अंदर जितना भी परफॉर्मेंस है नेटवर्क का वो सेंट्रल डिवाइस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हब है तो यहाँ पे क्या वो डेटा ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सारे नोड्स को दे रहा है, तो यहाँ पे क्या दिस परफॉर्मेंस नॉट सो गुड। अगर स्विच आपने सेंट्रल डिवाइस यूज किया है तो वो डेस्टिनेशन नोड को ही सिर्फ क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा, विच इज बेटर देन द हब। तो परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव बस टोपोलॉजी। इन बस टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस ऑन नेटवर्क, ठीक है, ऑल द डिवाइसेस ऑन नेटवर्क, और नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, ओके, कंप्यूटर्स और पेरिफेरल जो भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो, राइट, आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कॉन्टिन्यूस केबल कॉल्ड एज बस। ओके, बस टोपोलॉजी में क्या है, जितने भी नोड्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो किससे कनेक्ट हैं, वो कॉन्टिन्यूस केबल, जो ये आपकी कॉन्टिन्यूस केबल है, ठीक है, इससे कनेक्ट है, ये आपकी कॉन्टिन्यूस केबल जा रही है, इससे कनेक्ट है, और इस केबल को हम क्या बोलते हैं, इस केबल को हम बोलते हैं बस, राइट। जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक सिंगल कॉन्टिन्यूस केबल से कनेक्टेड है, और इस केबल को हम बोलते हैं बस, इसीलिए इस टोपोलॉजी को कहा जाता है बस टोपोलॉजी। ओके, डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी नोड ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ द डायरेक्शंस। ओके, आपका कोई भी नोड है, कोई भी नोड डेटा इस क्या करता है, बस में ट्रांसमिट करता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है, तो वो क्या होगा, वो ट्रेवल करेगा दोनों डायरेक्शन में, वो डेटा ट्रेवल करेगा दोनों डायरेक्शन में, वो डेटा ट्रेवल करेगा, ठीक है। जिस जो भी नोड डेटा ट्रांसफर करेगा बस के अंदर, वो डेटा क्या करता है, दोनों डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करता है। ओके, द डेटा इज ट्रांसमिटेड इन स्मॉल ब्लॉक्स नोन एज पैकेट्स। और डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, पैकेट्स के फॉर्म में। ओके, जो आपका डेटा होता है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, राइट। ईच पैकेट हैज अ हेडर कंटेनिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस। ओके, अब देखो इंटरनेट का तो सबको पता है, जो इंटरनेट में डेटा ट्रेवल करता है वो किस फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है, पैकेट्स के फॉर्म में, राइट। तो नेटवर्क में भी जब डेटा ट्रेवल करता है, इंटरनेट इज व्हाट, दिस इज अ नेटवर्क, एंड हियर आल्सो वी आर डिस्क्राइबिंग द नेटवर्क, कि नेटवर्क कैसे क्रिएट करें। तो बस टोपोलॉजी में जब डेटा कोई भी नोड कोई भी टर्मिनल डेटा ट्रांसफर कर रहा है, वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। और एक जो पैकेट होता है, ठीक है, वो क्या क्या कंटेन करता है, पैकेट के अंदर एक तो डेटा होता है, ठीक है, मैसेज होता है, और सेकेंड क्या होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, कि किस किस डेस्टिनेशन पे उसको जाना है। ओके, उसके एक तो डेस्टिनेशन एड्रेस उसके अंदर होता है, कि किस डेस्टिनेशन में उस डेटा को जाना है, एंड द पार्ट ऑफ द डेटा, ठीक है, और डेटा का एक छोटा सा पार्ट होता है। ओके, इसको बना के बनता है हमारा वन पैकेट, डेटा प्लस डेस्टिनेशन एड्रेस। ओके, ईच पैकेट हैज अ हेडर कंटेनिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस। क्या कह रहा है, जितने भी पैकेट्स होते हैं उसका हेडर क्या कंटेन करता है, डेस्टिनेशन एड्रेस कंटेन करता है। ओके, ईच नोड ऑन द नेटवर्क चेक्स वेदर द डेटा पैकेट्स आर एड्रेस टू इट और नॉट, ठीक है। ए मान लो ये वाला हमारा कंप्यूटर था, ठीक है, इसका हम नेम रख देते कंप्यूटर ए, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर ए है, इसने क्या किया, डेटा ट्रांसफर किया बस के अंदर, ठीक है, जो आपकी सेंट्रल केबल है उसके अंदर डेटा ट्रांसफर किया, डेटा क्या करेगा, दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। अब जितने भी नोड्स हैं, अब डेटा किस फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में, और पैकेट्स क्या होता है, पैकेट्स जो स्मॉल स्मॉल पैकेट होते हैं उसका हेडर क्या कंटेन करता है, वो डेस्टिनेशन एड्रेस कंटेन करता है, कि कहाँ उस डेटा को जाना है। मान लो उस डेटा को हमें यहाँ पे, दिस इज योर बी कंप्यूटर, उस डेटा को बी के पास जाना है, ठीक है, बी के पास जाना है, हम ए से ट्रांसफर हो रहा है और बी के पास जाना है, ठीक है। अब लेकिन वो डेटा क्या करेगा, दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, देखो, ईच नोड ऑन द नेटवर्क चेक्स वेदर द डेटा पैकेट्स आर एड्रेस टू इट और नॉट। जितने भी नोड्स हैं वो देखेंगे कि डेटा पैकेट्स में जो एड्रेस है, हेडर में एड्रेस है, वो उनका है या नहीं है, मतलब ये डेटा उनके लिए है, ये पैकेट्स उनके लिए है या नहीं है, राइट। तो ऑल जितने भी नोड्स हैं उनका ये उनका क्या वर्किंग है, दे हैव टू चेक द हेडर ऑफ द डेटा पैकेट्स, राइट, उनको चेक करना है कि डेटा पैकेट्स उनके लिए एड्रेस्ड है या नहीं है।
द डेस्टिनेशन नोड आइडेंटिफाइज द एड्रेस ऑन द पैकेट एंड रिसीव देम। जो डेस्टिनेशन नोड होता है जिसके लिए वो जिसके जिसके लिए डेटा पैकेट्स होते हैं, वो चेक करता है कि एड्रेस, ठीक है, अगर एड्रेस उसका है तो डेटा पैकेट्स कहाँ चले जाते हैं, उस पर्टिकुलर नोड के पास रिसीव हो जाते हैं, वो नोड उनको रिसीव कर लेता है। फाइन, समझ आया। बस टोपोलॉजी इज वेरी सिंपल। वी हैव अ सेंट्रल सिंगल कॉन्टिन्यूस केबल कॉल्ड बस, ठीक है, हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस सेंट्रल केबल है जिसको हम बस कहते हैं। जितने भी नोड्स होते हैं वो उस बस से कनेक्टेड है, ठीक है। जिस भी नोड को डेटा ट्रांसफर करना है वो बस के अंदर ट्रांसफर करता है डेटा पैकेट्स के फॉर्म में। बोथ द डायरेक्शन ऑफ द बस क्या करता है, ट्रेवल करता है। ओके, जितने भी नोड्स होते हैं वो क्या चेक करते हैं कि डेटा उनके लिए एड्रेस्ड है या नहीं है, ठीक है। ओके, और जो जिस कंप्यूटर के लिए वो डेटा होता है वो कंप्यूटर उसको रिसीव कर लेता है। फाइन, और उसके बाद रिसीव करने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट भी भेजता है। एक्नॉलेजमेंट भेजता है जैसे यहाँ पे बी ने रिसीव किया तो बी ए को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि यस आई हैव रिसीव्ड द मैसेज, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है, ये वाली जो बस होती है वो फ्री हो जाती है टू रिसीव द अनदर डेटा। फाइन, यहाँ पे फिर जो बस होता है उसको फ्री कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल खाली कर दिया जाता है, सो डेट अनदर कंप्यूटर कैन सेंड द डेटा। फाइन, एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद इसको फ्री कर दिया जाता है। ओके, एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ओके, ऑल द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बस और यू कैन से डेटा लाइन, सो वेरी शॉर्ट केबल लेंथ इज रिक्वायर्ड। जितने भी नोड्स हैं, ठीक है, वो एक सिंगल कॉन्टिन्यूस केबल से कनेक्टेड है, मतलब बस से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे केबल जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है, ठीक है, वेरी शॉर्ट रिक्वायरमेंट। ओके, सेकेंड, द आर्किटेक्चर इज वेरी सिंपल, रिलायबल एंड लीनियर। जो आर्किटेक्चर है इसका, जो हमने ऑर्गेनाइज किया, डिजाइन किया है, वो बहुत ही सिंपल है। एक सिंगल बस है, देन ऑल द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बस, तो ये बहुत ही सिंपल है, रिलायबल है और लीनियर है, ठीक है। लीनियर मीन्स एक पर्टिकुलर, यू कैन से लीनियर, इट्स नॉट अ पजल्ड। ओके, बस टोपोलॉजी कैन बी एक्सटेंडेड इजिली ऑन आइदर साइड। अब बस टोपोलॉजी को क्या कर सकते हैं, हम किसी भी साइड से इंक्रीज कर सकते हैं बस के अंदर, और नोड्स अटैच कर सकते हो आप, ये केबल की लेंथ इंक्रीज कर सकते हो, मतलब बस की लेंथ इंक्रीज कर सकते हो, तो ये इसको एक्सटेंड करना बहुत ही इजी है। ओके, बोथ द एंड्स ऑफ द बस हैव टर्मिनेटर्स। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये टर्मिनेटर्स हैं। बस के दोनों एंड पे क्या लगाते हैं, टर्मिनेटर्स, विच एब्जॉर्ब द सिग्नल्स सो डेट सेम सिग्नल्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक टू द बस, कंफ्यूजिंग द होल डेटा फ्लो, ठीक है। अब जहां जब डेटा ट्रेवल करता है, ठीक है, वो डेटा ट्रेवल करता है तो आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के पास पहुंचने के बाद क्या होता है, जो भी लेफ्ट ओवर सिग्नल्स होते हैं वो क्या हो, वो दोबारा रिफ्लेक्ट होके बस के अंदर ना हो, ट्रांसफर हो, इसलिए टर्मिनेटर्स क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फाइन, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको बाहर भी नहीं जाने देते और उनको बस के अंदर दोबारा रिफ्लेक्ट होकर भी नहीं जाने देते। फाइन, नाउ वी हैव द डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इन केस ऑफ एनी फॉल्ट अकर्ड इन डेटा ट्रांसमिशन, फॉल्ट आइसोलेशन इज वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई भी फॉल्ट अगर होती है, कोई भी फॉल्ट आती है, तो यहाँ पे फॉल्ट को निकालना कि कहाँ पे वो हुई है बहुत ही डिफिकल्ट काम है। ओके, वी हैव टू चेक द एंटायर नेटवर्क टू फाइंड द फॉल्ट। आपको पूरा का पूरा नेटवर्क चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे फॉल्ट आई है, तो यहाँ पे फॉल्ट आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट टास्क है। ओके, बिकम स्लो विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ नोड्स। और अगर आप बस के अंदर नोड्स को इंक्रीज कर दोगे तो क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या हो जाती है, बस टोपोलॉजी के अंदर नेटवर्क की वर्किंग हो जाती है स्लो। फाइन, ओनली अ सिंगल मैसेज कैन ट्रेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक टाइम पर एक ही नोड, एक ही टर्मिनल डेटा सेंड कर सकता है, मैसेज सेंड कर सकता है। उस टाइम पे दूसरे जो नोड्स हैं उनको वेट करना पड़ेगा, दे कैन नॉट सेंड द मैसेज एट द सेम टाइम, और एट वन टाइम ओनली वन नोड कैन सेंड द मैसेज। फाइन, लो सिक्योरिटी ड्यू टू ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डेटा। और यहाँ पे क्या है, डेटा क्या है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सारे नोड्स के पास जा रहा है। ओके, डेस्टिनेशन के पास तो जा ही रहा है, बाकी जो और नोड्स हैं उनके पास भी जा रहा है, तो यहाँ पे डेटा की सिक्योरिटी क्या है, बहुत ही लो है। ओके,
There is limit on the central cable length and the number of nodes that can be connected, not suitable for big network. तो ये जो नेटवर्क है उसमें क्या है कि जो ये सेंट्रल केबल है उसकी भी एक लिमिट है कि हम इतना ही केबल बना सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं, एंड उसमें इतने ही नोड्स यूज कर सकते हैं. तो ये जो नेटवर्क है बस टोपोलॉजी, वो स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज होता है, बेसिकली लैंस के लिए यूज होता है, लैन नेटवर्क के लिए. ये बिग नेटवर्क के लिए यूज नहीं होता. ओके ओके नेक्स्ट वी हैव ट्री टोपोलॉजी. इन कंप्यूटर नेटवर्क्स A tree topology is sometimes known as star bus topology. ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में ट्री टोपोलॉजी को स्टार बस टोपोलॉजी भी कहा जाता है, बिकॉज इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ स्टार एंड बस टोपोलॉजीज टू क्रिएट अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर. ट्री टोपोलॉजी को स्टार बस टोपोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों के फीचर्स को कंबाइन करता है, दोनों टोपोलॉजी को कंबाइन करके बनता है इसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, इन दिस टोपोलॉजी एवरी ब्रांच कंटेन स्टार नेटवर्क. इस टोपोलॉजी के अंदर जो ब्रांचेस होती हैं, ओके, वो क्या होती है, वो स्टार टोपोलॉजी के फॉर्म में होती है ब्रांचेस. ओके, एंड इट्स मेन स्ट्रक्चर इज डिजाइंड इन द फॉर्म ऑफ बस बैकबोन केबल. ओके, जो मेन होती है, जो आपकी सेंट्रल है, सेंट्रल बैकबोन, वो बस की फॉर्म में है. ओके, और इसकी ब्रांचेस किस फॉर्म में है, स्टार टोपोलॉजी की फॉर्म में. ओके, तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्रांचेस किस फॉर्म में है, स्टार टोपोलॉजी की फॉर्म में है, और जो मेन आपका जो स्टेम है, ओके, वो किस फॉर्म में है, वो बस टोपोलॉजी की फॉर्म में. ओके, देयरफॉर द प्राइमरी बस इज अटैच्ड टू वन और मोर बसेस एंड स्विचेस. तो यहाँ पे प्राइमरी बस है, जो मेन बस है वो क्या है, और बसेस से अटैच है, और ये जो सेकेंडरी बस है, ठीक है, वो स्विचेस से अटैच है. फाइन, प्राइमरी बस इज अटैच्ड टू वन और मोर बसेस, दिस इज योर प्राइमरी बस, जो मेन बस है बीच में है. ओके, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट बसेस से अटैच है, स्मॉल स्मॉल बसेस से अटैच है, और वो जो बसेस हैं वो कहाँ पे जाके अटैच हो रही है, वो स्विचेस के साथ अटैच है. फाइन, ओके, विच फर्दर कनेक्ट्स टू वन और मोर नेटवर्क डिवाइसेस एंड नेटवर्क नोड्स. और स्विचेस कहाँ से किसके साथ अटैच है, वो नोड्स के साथ, टर्मिनल्स के साथ अटैच है. फाइन, समझ में आया ट्री टॉपोलॉजी, ट्री स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार टॉपोलॉजी एंड बस टॉपोलॉजी. फाइन, जहाँ पे हमारे पास एक प्राइमरी बस है, उस प्राइमरी बस से और स्मॉल स्मॉल बसेस कनेक्ट है, अटैच्ड है, वो बसेस किससे अटैच्ड है, स्विचेस के साथ, और स्विचेस किसके साथ अटैच है नोड्स के साथ. फाइन, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल कंप्यूटर नेटवर्किंग मेथड डेट अलाउज यू टू एड नेटवर्क डिवाइसेस टू दिस नेटवर्क बाय सिंपली एक्सपेंडिंग द स्टार नेटवर्क एट ईच ब्रांच ऑफ अ ट्री. तो ये क्या कह रहा है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल टोपोलॉजी है जहाँ पे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, हम इसमें और नोड्स को एड करके, ठीक है, ब्रांचेस के अंदर और नोड्स को एड करके इसको जितना चाहे उतना एक्सपेंड कर सकते हैं. फाइन, ट्री टोपोलॉजी समझ आया, इट इज द हाइब्रिड ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी, और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी, जहाँ पे जो इसकी ब्रांचेस हैं वो स्टार टोपोलॉजी है, और जो इसका मेन स्टेम है वो क्या है, बस टोपोलॉजी है. ओके, हाउ ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क वर्क्स. अब ये जो ट्री टोपोलॉजी है वो काम कैसे करता है, ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ द सर्वर वॉन्ट्स टू स्टेब्लिश अ कनेक्शन टू नोड आई. अब यहाँ पे हमारे पास ये सर्वर है जो बस के साथ अटैच्ड है, ठीक है, इसको किससे, इसको क्या करना है, नोड आई, जो हमारा ये वाला नोड है, इसके साथ कनेक्शन स्टेब्लिश करना है सर्वर को, ठीक है, सर्वर को नोड आई के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश करना है. ओके, या आप कह सकते हैं डेटा सेंड करना है आई नोड को. ओके, इट विल एनकैप्सुलेट द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड डेटा. एनकैप्सुलेट मतलब क्या करेगा, ये एक पैकेट बनाएगा, ठीक है, डेटा का और डेस्टिनेशन एड्रेस का. डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, हमारा आई नोड. फाइन, ओके, देन इट विल ट्रांसमिट द सिग्नल टू द बैकबोन केबल आफ्टर कंप्लीटिंग द एनकैप्सुलेशन प्रोसेस. सबसे पहले इसने क्या किया, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एक
कवर करके एक चीज क्रिएट करना, एनकैप्सुलेट करना, ठीक है। तो इसने एनकैप्सुलेट किया डेटा को, उसके एड्रेस को, और उसको कहाँ, उस सिग्नल को कहाँ पे भेज दिया इसने, सेंट्रल बैकबोन केबल पे, बस पे भेज दिया, ठीक है। ओके ओके, द एनकैप्सुलेटेड पैकेज विल स्टार्ट टू पास ऑन बोथ साइड ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द बस बैकबोन नेटवर्क। तो अब ये क्या करेगा, ये जाएगा, ट्रेवल करेगा दोनों साइड, यहाँ पे ट्रेवल करेगा और यहाँ पे जाएगा, ये जितनी भी ब्रांचेस है वहां पे ये क्या करेगा, सिग्नल ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सिग्नल हमारा यहाँ पे ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हब दैट कैन बी यूज्ड इन द ट्री। अब यहाँ पे ये इतना हमने देख लिया, अब हम हब की बात करते हैं कि ट्री के अंदर हम ट्री टॉपोलॉजी के अंदर तीन टाइप्स के हब को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, दैट कैन बी यूज इन द ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क विच आर इंटेलिजेंट हब, इंटेलिजेंट हब, एक्टिव हब एंड पैसिव हब, ठीक है। एक्टिव हब क्या करता है, इंटेलिजेंट हब क्या करता है, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के बाद ही पास ही डेटा को सेंड करेगा। एक्टिव हब क्या करेगा, डेटा को सेंड करने से पहले उसको रीजनरेट करेगा, उसको और पावरफुल बनाएगा। और पैसिव हब क्या करता है, सिंपली डेटा को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो तीन तरीके के हब है, ये कोई भी हम हब का यूज कर सकते हैं। ओके, दे ऑल कंटेन देयर ऑन वर्किंग मैकेनिज्म, सबकी अलग अलग वर्किंग है, ठीक है। वी आर एक्सप्लेनिंग ओनली द वर्किंग प्रोसेस ऑफ एन इंटेलिजेंट हब। अब यहाँ पे हम क्या किसका डिस्कशन करेंगे, सिर्फ इंटेलिजेंट हब का, ठीक है। लेट्स कंसीडर दैट ऑल द हब्स आर इंटेलिजेंट विच इज स्विच। और हमें पता है जब हब इंटेलिजेंट बन जाता है तो वो क्या बन जाता है, स्विच, ठीक है। वो हब जो सिर्फ डेस्टिनेशन के पास डेटा सेंड करता है उसको हम बोलते हैं स्विच, फाइन। द पैकेट विल फर्स्ट गो टू द स्विच S1, ठीक है। सबसे पहले सर्वर ने क्या किया, एनकैप्सुलेट किया डेटा को और क्या किया, बैकबोन केबल के पास सेंड कर दिया। अब डेटा जितनी भी ब्रांचेस है वहां पे जाके पहले सेंट्रल केबल और उसकी ब्रांचेस में जाके ट्रेवल करने लगा। तो सबसे पहले डेटा किसके पास गया, स्विच S1 के पास गया, ठीक है। विच विल एग्जामिन द पैकेट डेस्टिनेशन। अब ये क्या करेगा, स्विच जो पैकेट इसके पास पहुंचे हैं उसके अंदर देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। डेटा पैकेट्स को रिसीव करेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस को देखेगा कि ये किस नोड के लिए है, ठीक है। इट विल ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड द पैकेज इफ द डेस्टिनेशन एड्रेस डज नॉट मैच दिस क्वेश्चन। क्या करेगा, देखेगा इस स्विच के साथ जितने भी नोड्स अटैच्ड हैं क्या ये एड्रेस उनसे मैच करता है। अगर नहीं करता है तो क्या करेगा, मैसेज को वो नहीं लेगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा, फाइन। सिमिलरली द एनकैप्सुलेटेड पैकेट विल रीच स्विच S2। ऐसे ही फिर पैकेट कहाँ जाएगा, S2 के पास जाएगा। ओके, S2 क्या करेगा, विल चेक द डेस्टिनेशन एड्रेस। S2 भी चेक करेगा, राइट, कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है क्या उसके उससे जो नोड्स अटैच्ड है उनका है कि नहीं है। इफ इट फाइंड्स द डेस्टिनेशन एड्रेस डज नॉट मैच, इट विल सेंड द पैकेज टू द स्विच S3। चेक करने के बाद ये क्या देखेगा कि अगर इससे मैच है, नहीं होता तो इस S2 से क्या अटैच्ड है, S2 से हमारा S3 स्विच कनेक्ट है। तो S2 क्या करेगा, इसको कहाँ सेंड कर देगा, S3 के पास सेंड कर देगा, राइट। देन S3 विल फाइंड द लिंक दैट कनेक्ट्स द डेस्टिनेशन एड्रेस। यहाँ पे S3 के पास डेटा जब पहुंचेगा, पैकेट्स पहुंचेंगे तो उसको मिल जाएगा कि यस ये जो नोड है वो इससे अटैच्ड है। तो ये क्या करेगा, इट विल फॉरवर्ड द पैकेट टू दैट स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन। ये क्या करेगा, डेटा को उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे सेंड कर देगा। तो ये हमारी ट्री टोपोलॉजी की वर्किंग है कि ट्री टोपोलॉजी में डेटा कैसे ट्रांसफर करता है। सबसे पहले सर्वर ने डेटा ट्रांसफर किया, वो बैकबोन के पास गया, उससे वो दोनों तरफ डायरेक्शन में ट्रेवल किया, ठीक है। सबसे पहले S1 स्विच के पास गया, S1 ने चेक किया, S1 ने डेस्टिनेशन एड्रेस चेक किया, जो नोड्स उसके साथ अटैच थे वो उनका नहीं था तो उसने डिस्कार्ड कर दिया। फिर वो पैकेट्स कहाँ गए, S2 स्विच के पास गए, S2 स्विच ने भी उनको चेक किया, डेस्टिनेशन एड्रेस इसके नोड से मैच नहीं किया तो उसने क्या किया, इसको S3 के पास सेंड कर दिया, क्योंकि S3 देखो S2 से कनेक्ट है। S3 ने क्या किया, जितने भी नोड्स थे उनका एड्रेस चेक किया तो ओके, उसको मिल गया कि आई नोड के लिए है, तो उसने क्या किया, डेटा कहाँ पे सेंड कर दिया, आई नोड के पास सेंड कर दिया। ओके, नाउ वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इफ वन और मोर नोड्स हैव फेल्ड इन द नेटवर्क दे डू नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। अगर ट्री टोपोलॉजी के अंदर कोई भी नोड जो नोड्स हैं वो
एक या दो से ज्यादा नोट्स क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है, फेल हो जाते हैं, तो क्या होगा, इस पूरे नेटवर्क को वो फेल नहीं कर सकते, ठीक है। द नेटवर्क विल कीप ऑन वर्किंग, फाइन, द नेटवर्क कैन स्टिल कंटिन्यू टू ऑपरेट इवन इफ अ सिंगल स्विच और हब हैज बीन डैमेज्ड, ओके। कुछ नोड्स खराब हो जाते हैं तब भी क्या होगा, नेटवर्क वर्क करता रहेगा। एक या दो स्विच खराब हो जाते हैं, हब भी खराब हो जाते हैं, तब भी क्या होगा, वो नेटवर्क वर्क करता रहेगा, फाइन। अ ट्री टोपोलॉजी, वो पर्टिकुलर जो उसका पार्ट है वो स्टॉप कर देगा। मान लो यहाँ पे स्विच S1 खराब हो जाता है, ठीक है, ये खराब हो जाता, डैमेज हो जाता है, तो क्या होगा, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये इसका क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। अदरवाइज जो जितना अदर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो सारा क्या होगा, ये कंटिन्यू वर्किंग करता रहेगा, फाइन। अ ट्री टॉपोलॉजी नेटवर्क कैन बी मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड इजिली। ये जो टॉपोलॉजी है उसमें क्या है, हम नेटवर्क को इजिली मैनेज भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं, फाइन। इन दिस टॉपोलॉजी नोड एक्सपेंशन इज इजी एंड फास्ट। इसके अंदर आप नोड्स को क्या कर सकते हो, जितने नोड्स चाहते हो आप वो अटैच कर सकते हो, और स्विचेस आप इसमें ऐड कर सकते हो। स्विचेस से आप क्या कर सकते हो, नोड्स को अटैच कर सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे S2 है, आप S3 भी स्विच लगा सकते हो, देन S4 स्विच लगा सकते हो, फाइन, और उसमें नंबर ऑफ मोर नोड्स आप कनेक्ट कर सकते हो, फाइन। इट कंटेन्स एन इजी प्रोसेस टू डिटेक्ट एन एरर। यहाँ पे एरर को डिटेक्ट करना बहुत ही इजी है, आप इजीली एरर को डिटेक्ट कर सकते हो, कहाँ पे एरर आई है, ओके। ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंट हब स्विच, ट्री टोपोलॉजी गिव्स मच ग्रेटर परफॉर्मेंस देन बस नेटवर्क। अब यहाँ पे हम स्विच का यूज कर रहे हैं, जो क्या होता है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। इंटेलिजेंट इसलिए बोलते हैं स्विच को, क्योंकि इसको पता होता है कि किस पर्टिकुलर नोड के पास, टर्मिनल के पास मुझे डेटा को सेंड करना है, ठीक है। तो इसलिए ये बस टोपोलॉजी से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि वो ब्रॉडकास्ट कर देता है मैसेज चारों तरफ, लेकिन वो मैसेज पहले किसके पास जाता है, स्विच के पास जाता है। तो स्विच डिसाइड करता है कि किसके पास भेजना है और किसके पास नहीं भेजना है, ओके। तो ये इंटेलिजेंटली वर्क करता है, फाइन। तो इट इज परफॉर्मेंस वाइज ट्री टॉपोलॉजी इज बेटर देन द बस टॉपोलॉजी, ओके ओके। नाउ वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री टॉपोलॉजी। ट्री टॉपोलॉजी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिपेंडेंट ऑन द मेन बस केबल, इफ इट गेट्स डैमेज द कनेक्शन बिटवीन द ब्रांचेस डिसकनेक्ट। अब यहाँ पे देखो, जो इसका मेन जो कनेक्शन है, जो मेन एक बैकबोन है, वो क्या है, बैकबोन केबल है, ठीक है, बस है आपका, सेंट्रल बस है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है, जो यहाँ पे और जो ब्रांचेस है उसके साथ क्या होगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या, इट डिपेंड्स ऑन द मेन केबल। अगर मेन केबल डैमेज होती है, द कनेक्शन बिटवीन द ब्रांचेस डिसकनेक्ट, तो यहाँ पे जो ब्रांचेस के बीच में कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा, फाइन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, सो इट इज मोर कॉस्टली एज यू नीड द इक्विपमेंट ऑफ फॉर बोथ टोपोलॉजीज टू क्रिएट अ नेटवर्क। अब ट्री टोपोलॉजी क्या है, इट इज अ हाइब्रिड ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पे क्या है, हमें दोनों के हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, दोनों के इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी के इक्विपमेंट्स भी चाहिए और बस टोपोलॉजी के इक्विपमेंट्स भी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ये क्या है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, ओके। इट इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूज एंटरप्राइजेस। बड़े बड़े जो एंटरप्राइजेस हैं उसमें इस टोपोलॉजी को यूज नहीं किया जा सकता, फाइन। इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क केबल फॉर क्रिएटिंग अ नेटवर्क बिटवीन द डिवाइसेस, विच इज डिफिकल्ट टू मैनेज एंड प्लेस, ओके। यहाँ पे इस टोपोलॉजी को क्रिएट करने के अंदर बहुत सारे नेटवर्क केबल की जरूरत है। देखो, सेंट्रल बस में आपकी केबल यूज होगी, देन स्मॉल स्मॉल बसेस आप क्रिएट कर रहे हो, देन अगेन यू हैव द केबल्स टू कनेक्ट द नोड्स टू द स्विचेस। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा केबलिंग हो रही है, ठीक है। तो इसको बनाना और मैनेज करना, ठीक है, और इसके लिए एक पर्टिकुलर कैसे ऑर्गेनाइज करना, ये बहुत डिफिकल्ट है, ओके ओके। नेक्स्ट वी हैव मैश टोपोलॉजी। इट इज ऑल्सो नोन एज कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी की टोपोलॉजी को आप कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। इन मैश टोपोलॉजी एवरी नोड हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर नोड। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जो जितने भी नोड्स होते हैं उनका दूसरे नोड्स के साथ क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, नोड ए, मान लो ये नोड ए है,
ये आपका नोड बी है, ओके, दिस इज योर नोड बी। तो देखो ए का पहले बी के साथ भी कनेक्शन है, ए का आपका ये आपका सी है एंड दिस इज योर डी, राइट, दिस इज योर ई एंड दिस इज योर एफ, ठीक है। ए का बी के साथ भी कनेक्शन है, ए का एफ के साथ भी कनेक्शन है, ए का ई के साथ भी कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है जितने भी नोड्स हैं, सी के साथ भी कनेक्शन है और ए का आपका डी के साथ भी कनेक्शन है। तो जितने भी नोड्स हैं, ठीक है, उन सबके साथ क्या है, पॉइंट टू पॉइंट मीन्स डायरेक्ट कनेक्शन है, ओके। तो यहाँ पे जितने भी नोड्स होते हैं उनका दूसरे नोड्स के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, राइट। देखो एवरी नोड हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर नोड। तो ए को अगर बी को डेटा सेंड करना है तो डी के बी के कनेक्शन से सेंड कर देगा, एफ को सेंड करना है तो एफ के कनेक्शन से सेंड कर देगा, ई को देना है तो ई के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है उस कनेक्शन से सेंड कर देगा, सी को देना है तो सी के कनेक्शन से, ठीक है, डी को देना है तो डी के कनेक्शन से। ऐसे ही जितने भी नोड्स हैं उनका बाकी के जितने भी नोड्स होते हैं उन सबके साथ पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, ठीक है। Each node is capable of sending messages to and receiving messages from other nodes, ठीक है। तो अब ये क्या है, जितने ये जो नोड ए है, ओके, वो डायरेक्टली मैसेज सेंड भी कर सकता है, डायरेक्टली मैसेज रिसीव भी कर सकता है अदर नोड से। बी से चाहिए तो बी का ए के साथ डायरेक्ट लिंक है, बी सेंड कर देगा, सी का ए के साथ डायरेक्ट लिंक है, सी सेंड कर सकता है डायरेक्टली, डी डायरेक्टली सेंड कर देगा, ई डायरेक्टली सेंड कर देगा, एफ डायरेक्टली सेंड कर देगा। जैसे ए डायरेक्टली सेंड कर सकता है ऐसे ही दूसरे नोड्स भी डायरेक्टली इसको सेंड कर सकते हैं डेटा मैसेज, फाइन। द नोड्स एक्ट्स एज रिलेज, ठीक है। नोड्स कैसे काम करते हैं, नोड्स रिलेज की तरह काम करते हैं। रिलेज क्या होता है, रिले नेटवर्क यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के बीच में जो इंफॉर्मेशन सेंड करता है उसे रिले नेटवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे दो डिवाइसेस के बीच में डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। पासिंग ऑन मैसेज टूवर्ड्स इस फाइनल डेस्टिनेशन। तो सिंपली मैश टोपोलॉजी क्या है, जहाँ पे जितने भी नोड्स होते हैं उनका दूसरे नोड्स के साथ एक पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड लिंक होता है, फाइन, जिस लिंक के थ्रू वो डेटा सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं, ओके। एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं, अवॉइड ट्रैफिक सिंस ईच लिंक कैन कैरी इट्स ओन डेटा एंड नन आर बीइंग शेयर्ड, ठीक है। इसमें ट्रैफिक को अवॉइड करता है क्योंकि क्या है, पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड लिंक है, ठीक है। तो जितने भी लिंक्स होते हैं वो अपना खुद का डेटा कैरी करते हैं, ठीक है, उनका डेटा कहीं और शेयर नहीं हो रहा है, ओके, दे आर डायरेक्टली सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा। तो यहाँ पे ट्रैफिक को मैनेज इजिली मैनेज किया जा सकता है। इफ वन लिंक ब्रेक्स द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क इज स्टिल फंक्शनल, अगर एक लिंक ब्रेक हो जाता है, मान लो यहाँ पे इस कंप्यूटर का एक कंप्यूटर का बी से लिंक कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाता है, तो बाकी के कंप्यूटर्स के साथ उसका लिंक जो है वो कनेक्ट डिसकनेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। द टोपोलॉजी विल कीप ऑन वर्किंग, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक लिंक या डैमेज हुआ, एक लिंक ब्रेक हुआ तो बाकी के लिंक्स में प्रॉब्लम आएगी, नो, दे विल कीप ऑन वर्किंग, ओके। इजी टू डिटेक्ट अ प्रॉब्लम इन द नेटवर्क बाय डिस्कवरिंग विच डिवाइस इज हैविंग प्रॉब्लम एंड एग्जामिनिंग द लिंक दैट कनेक्ट्स टू इट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना बहुत इजी है, ठीक, ओके। हम उस डिवाइस को डिटेक्ट करेंगे पहले कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसके किस पर्टिकुलर लिंक में प्रॉब्लम, डिवाइस को फाइंड आउट करके कि किस डिवाइस में प्रॉब्लम है एंड द लिंक और उसके कौन से वाले लिंक में प्रॉब्लम है, और इसको डिटेक्ट करना बहुत ही इजी प्रोसेस है, ओके ओके। नाउ वी हैव द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, लॉन्ग वायर केबल लेंथ इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे बहुत सारी केबल चाहिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी डिवाइस है उनका डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, तो क्या है, यहाँ पे बहुत सारा केबल चाहिए, राइट, बहुत लॉन्ग वायर चाहिए। वायरिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड केबलिंग कॉस्ट इज हाई इन क्रिएटिंग सच नेटवर्क। यहाँ पे क्या होता है, समटाइम्स जो वायरिंग करते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि बहुत सारे वायर्स यूज हो रहे हैं, और जब आप इतने सारे वायर्स यूज होते हो तो केबलिंग कॉस्ट भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, ओके। तो ये मैश टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस है। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। Till then, keep on studying,
ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म टू एग्जाम एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज. बाय, टेक केयर.